और ऑफरिंग। क्या हुआ मम्मी? प्रेस क्या हुआ? फोन चाहिए, फोन से पढ़ाई करना है। दोहराएगा जीवन में वही सुख पाएगा, जो राम नाम दोहराएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सब्जी बनाने के लिए आई हूँ, सेम आलू की सब्जी। बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जो मैं कर रही हूँ काम, क्योंकि ये लहसुन छीलना बहुत बोरिंग सा काम है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और लहसुन जब छोटा छोटा हो ना तो और छीलने का मन नहीं करता, लेकिन बिना छीले फिर चलता भी नहीं है। तो सब्जी के लिए लहसुन छील रहे हैं, और मैं लहसुन कभी कभी कूट के डालती हूँ, कभी कभी काट के डालती हूँ। तो कूट काट के लहसुन डाल देते हैं सब्जी में, बहुत मतलब सिलबट्टे पर मसाला पीसने का वैसा नहीं रहता है, और ताज़ा ही डालते हैं हम, पीस के नहीं रखते हैं। जहाँ रहूँगी मैं वहाँ बच्चे पीछे 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 ज़रूर रहेंगे, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, कल रिज़ल्ट है दोनों बच्चों का, देखते हैं क्या होता है। बच्चों से ज़्यादा हम पेरेंट्स को, पेरेंट्स में भी हम माओं को ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और फ्रेंड्स, के आप सब उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का समय है, डिनर की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो बना रहा है मेरा बेटा जो फ़ोन लेने के लिए बहुत तत्पर रहता है। आप बताइए, किसी घर में रूटर है? तो फ्रेंड्स, अभी लहसुन छील रहे हैं, ये देखिए जो सबसे गंदा काम लगता है। और अभी आटा लगा दिए, बस रोटी बटे बनाना है, सब्जी बन जाएगा पनीर का सब्जी। चलिए फ्रेंड्स, उधर देखिए, उधर इधर अनाज जो है अंकुरित हो रहा है। ए बटी तो ये देखिए, इसमें क्या है, ये सुदामा का चना है। सुदामा इतना चना खाते हैं। इसमें अंकुरित हो रहा है मूंग और चना, जो मेरे हस्बैंड अंकुर इसमें आ गया, जो मेरे हस्बैंड खाते हैं, इसमें चना और मूंग है। पास से देख लिया आप लोग। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब चला मेरा, ये देखिए हम बना रहे हैं खीर, गाढ़ी गाढ़ी से खीर। और मैं कढ़ाई में ही खीर बना दे रही हूँ आज, क्योंकि इसी में सेवई भुने थे तो इसी में दूध वगैरह डाल के बना दिया। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना हुआ है, देख सकते हैं कितना बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी सी है। और यहाँ हमारा हो रहा है सब्जी सेम। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अचार का मसाला, जो अचार बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें मैं जो सरसों वाला मसाला वाला जो सब्जी होता है उसमें मैं थोड़ा सा ये डालती हूँ, दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, ये देखिए बस इतना सा डालूंगी मैं, इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलिए अभी समय है इसमें।
तो ये देखिए हम बना रहे हैं सेवई और सब्जी और आटा वगैरह सब लग चुका है। ये देखिए ये सब आटा लग चुका है और हम बना तैयारी कर रहे हैं डिनर का। देखिए मेरा हाथ यहाँ से जल गया, दिख नहीं रहा, इससे जल गया इससे। चलिए फ्रेंड्स बर्तन वर्तन धुल लिए। ये देखिए मेरा फ्रंट कैमरा बहुत गंदा सा आता है, धुंधला धुंधला सा, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में, राधे राधे सबको। मैं जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ रखूँ फोन। ये देखिए फ्रेंड्स ये धनिया पत्ता जो है ना वो खराब हो रहा है। ये देखिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसे धुल देंगे, धुल के इसको छान देंगे, मतलब इसको छन्नी पर रख देंगे और जितना भी बचा है ना वो सब सही रहेगा। तो अभी हम इसको पानी में करके ना धुल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया धनिया पत्ता है, इसका महक बहुत अच्छा है, तो इसको हम पानी में करते हैं। देख सकते हैं कितना गंदगी निकला है ये। अब इसके पास ये फ्रेश धनिया पत्ता रहेगा और धनिया पत्ता का जो ये जो डंठल है ना सिर्फ जड़ निकाल दीजिए, और ये वाला जो है ना सब्जी के टेस्ट को बहुत बढ़ाता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इसको खाना चाहिए। मुझे तो धनिया पत्ता ऐसे ही बहुत पसंद है। तो इसको बस इतना जड़ काट के निकाल दीजिए, बाकी इसको ज़रूर डालिए, ये बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए कितना धनिया पत्ता लोग ऐसे हल्का सा धुल के डाल देते हैं, देखिए कितना गंदगी है ना। पानी हम गिरा देते हैं, दो तीन पानी से उनको धो देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने धनिया पत्ता को धुल दिए खूब बढ़िया से और इस तरह से जाली में करके कर देते हैं, इसका पानी जो है सब निकल जाएगा तो हमारे पास फ्रेश धनिया पत्ता बचेगा। और ये देखिए कितना कचरा निकला है, ये देखिए अभी मुझे सब क्लीन करना पड़ेगा। ये धनिया पत्ता तो हमने धुल दिया है, अब इस तरह का जो बाहर से हम लोग मिठाई वगैरह कुछ कुछ लाते हैं तो इस तरह डब्बा मिलता है, इसमें बहुत ही फ्रेश रहता है ये सब धनिया पत्ता या लहसुन पत्ता सब कुछ डाल दीजिए। तो इसमें मैं क्या करूँगी, टिश्यू पेपर एक डाल दूँगी, तो ये इस तरह से टिश्यू पेपर डाल देंगे। उसके बाद धनिया पत्ता को लेके इसमें ना वापस हम लोग अच्छे से बढ़िया से इसका जड़ को निकाल के और तब जाके हम लोग रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जड़ निकाले हैं, ये देखिए इस तरह से जड़ को निकाल देंगे, सिर्फ जड़ निकाले इसका, देखिए मोटा वाला हिस्सा नहीं निकाले हैं अभी, ये सूखा नहीं है, सूख जाएगा। तब इसमें हम इस तरह से करके पूरा धनिया पत्ता को रख देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे, तो हमारा धनिया पत्ता ना बहुत अच्छे से फ्रेश रहेगा। अब ये साफ़ हो गया, बस सूख जाएगा, बस निकालना है और काट के फिर अपना डाल देना है इसमें सब्जियों में। तो इसे मुझे अभी डालना है इस सब्जी में, तो मैं इसे अभी यहाँ पर रख देती हूँ और इसे ऐसे रखते हैं। इसमें भी ये भी थोड़ा पानी पानी हो गया, थोड़ा सूख भी जाएगा तब तक। तो ये हमारा धनिया का काम हो रहा है। अभी ये देखिए जो सब्जी का डंठल है धनिया पत्ता का, इसको सिर्फ और इसका जड़ निकाल देंगे हम इसका, ये इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, तो हम इस सब्जी में आराम से इसको डाल सकते हैं। अभी सब्जी पक गई है लेकिन रस्सा है तो इसमें आप डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो सब्जी हमारी हो गई है ये, और यहाँ है सेवई, यहाँ आटा लगा रखा है, और ये देखिए बहुत आटा बहुत सारा ही चोकर है इसमें, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, मोटा आटा पीस दिया है। इसमें रखा है दूध जो इसमें खाली करके डालना है, इसमें भी आटा है थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे, सबको खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।